बार बार तुम भाग्यशाली निकली, एक पूरी प्लेट भर कर पॉपकॉर्न। निक के पास ज्यादा नहीं है पर वो परेशान भी नहीं है। जूली की किस्मत साथ नहीं है, उसके पास सिर्फ एक है। जूली तुम शुरू करो, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा हेयर स्ट्रेटनर कहाँ है? मुझे यही चाहिए था। वास्तव में तेज और स्वादिष्ट निकला। वाह, अब मैं इस पॉपकॉर्न को जल्दी से पकाऊंगा। वाह लीक, तुमने ये नहीं बताया कि तुम एक शेफ हो। इस रेसिपी को लिख लो। एक फ्राइंग पैन लो और इसमें मकई के दाने डाल दो और एक दो मिनट इंतजार करो, फिर इसके मजे लो। वाह, ये एक विस्फोट है। लड़कियों सावधान हो जाओ। वाह लीक, यह वास्तव में विस्फोटक नुस्खा था। पॉपकॉर्न बनाने का मेरा अपना तरीका है। कोला में थोड़ा टबैस्को मिलाएं और इसे अपने दोस्तों को पीने के लिए दें। यह क्या है? बस मुझे इसी की जरूरत थी। धन्यवाद निक। तीखा गर्म। वाह निक और बारबारा के पास कितने सारे गमी आए हैं और जूली के पास सिर्फ एक है, केवल एक। कितना कम। निक यदि तुमने ध्यान नहीं दिया है तो जूली मजाक के मूड में नहीं है, इसलिए यह लो। मेरे साथ मत उलझो, हमें झगड़ना क्यों है? अब मैं तुमसे बदला लेकर आऊंगा। निक अब तुमने क्या सोचा है? आँख में केचप? छी कितना गंदा। जूली अगर तुम चाहो तो मेरी आँख खा सकती हो। क्या ये सच में तुम्हारी आँख है? हाँ ये लो। इसे मुझसे दूर करो। बारबारा सावधान, तुम्हें निक की आँख खाली है। यह क्या? छी मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सुबह सुबह एक कप गर्म कॉफी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। बहुत स्वादिष्ट। रुको, यह क्या है? एक आईबॉल। तुम लोग असली जोगर हो। अब मेरी बारी है। कितना स्वादिष्ट है, मैं इसे हमेशा खा सकती हूँ। वाह इसे कहते हैं भूख। ओह क्या स्पीड है। मेरी बारी है अब। टर्बो मोड स्वादिष्ट। वो नेक तुमने वो सब कितनी जल्दी खा लिया, क्या तुम लड़कियों के साथ शेयर कर सकते हो? प्लीज तुम्हें बहुत भूख लगी है, केवल एक प्लीज। नहीं ये मेरे हैं। निक तुम इतनी गमी आई एक साथ नहीं खा सकते, बहुत देर हो गई। अब तुम वो सारी शरारत देखो जो लड़कियों ने तुम्हारे साथ की है। छी मैं ये सब नहीं खा सकती, इसे मेरे सामने से हटाओ। केवल एक, मैं यह कर सकता हूँ। वो क्या है? दोस्तों हिम्मत से काम लो, तुम यह कर सकते हो। मैं पहले शुरू करूंगी। बारबारा यह एक बीज है, तुम्हें इसे खाना नहीं चाहिए बल्कि इसे लगाना चाहिए। ध्यान से बारबारा, देखो तुम कहाँ फेंक रही हो। अब मैं तुम्हें रोपने जा रही हूँ। बढ़ो, पौधा निकल क्यों नहीं रहा है? बारबारा तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, उसे बढ़ने का समय दो। मैं पहले शुरू करता हूँ, इसे जल्दी से खा लेना चाहिए ताकि इसका स्वाद समझ में नहीं आए। छी कितना गंदा, मुझे इस खराब स्वाद से जल्दी छुटकारा पाना है। मुझे इसे की जरूरत थी, मैं ये ले रही हूँ। मुझे अपने पौधों को पानी देने की जरूरत है, अब यह बढ़ेगा। भूकंप, छिप जाओ, डरो मत, वो सिर्फ बारबारा का बीज बढ़ रहा था। अब बारबारा के पास अपना ब्रोकली का पौधा है। कितना खराब, मुझे ब्रोकली से नफरत है। छी बारबारा तुम्हें अपने आप को साफ कर लेना चाहिए और तुम्हें अपना ब्रोकली खा लेना चाहिए। नहीं ब्रोकली के अलावा कुछ भी चलता, पर मेरे पास एक आइडिया है इससे छुटकारा पाने का। देखो उधर ऑक्टोपस है। जूली तुम्हें पता है ना कि सभी शरारतों की सजा अंत में जरूर मिलती है, और एक तो निक ने तैयारी कर रखी है। वो बहुत स्वादिष्ट था, तो फिर थोड़ा और खाओ। नहीं छी कितना खराब, अगली बार धोखा देने की कोशिश मत करना। वाह फ्रेंच फ्राइज, सभी काफी खुश हैं। यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। पर रुको, जूली उतनी भाग्यशाली नहीं है, उसे बस एक छोटा फ्राई मिला है। कितना स्वादिष्ट पर बहुत कम, मुझे और चाहिए। अब मेरी बारी है। बारबारा थोड़े फ्राई मुझे दो। क्या कम से कम एक ही दे दो। Could you please? बिल्कुल नहीं, ये लो। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुम बस देखो, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी।
जूली बारबरा के केचप को वास्तव में तीखा बना रही है, यह कोई अच्छी बात नहीं हुई। होना चाहिए था। बारबरा, तुम्हें जल्दी से ठंडा होने की जरूरत है, पर कैचअप के साथ नहीं, यह बेहतर है। मेरे पास पर्याप्त कैचअप है। निक, अपने फ्राइज का ध्यान रखो, वरना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्या? बहुत स्वादिष्ट, धन्यवाद निक, तुमने मेरा सारा फ्रेंच फ्राइज खा लिया, ये लो। निक, परेशान मत हो, बस अगली बार अधिक सतर्क रहना। वाह, प्रिंगल्स का एक पूरा कैन, निक तो किस्मत वाला निकला। पर बारबरा के पास तो इसका पूरा पिरामिड है। वाह, और जूली के पास सिर्फ एक है, और वो बहुत ही छोटा है। मैं यह ठीक कर लूंगी। अब बेहतर है। स्वादिष्ट। निक, तुम्हें क्या हो गया? अब तुम चलो। क्या, यह खुल क्यों नहीं रहा है? ध्यान से अपने दांत मत तोड़ लेना, लगता है आज तुम्हें प्रिंगल्स नहीं मिलने वाले हैं। इसके लिए तो मेरे पास एक चेनसॉ है। ओ, ये हमें मत काट देना, बस कुछ बार काटना होगा और फिर यह कैन खुल जाएगा। तुम तो एक असली मास्टर निकले। देखो, वाह निक, ये कितनी ताकत से तुमने फेंका प्रिंगल्स को, वो कैन सीधे आकाश तक पहुँच जाएगा। निक, अपना मुंह खोलो, चिप्स तुम्हारे तरफ आ रहे हैं। आखिरकार मैं अपने स्वादिष्ट चिप्स खाती हूँ। वाह बारबरा, तुम्हें तो काफी भूख लगी है। अरे ध्यान से अपना कैन फेंको। ओह, चोट लग गई। कितना स्वादिष्ट, क्या हो रहा है? निक, बेहतर होगा कि तुम टेबल के नीचे छिपे रहो, बारबरा बॉम्ब फेंक रही है। जूली, झुक जाओ, मैं इसका शिकार फिर नहीं बनूंगी। वाह, तुम तो एकदम तैयार हो, पर निक तो नहीं। ध्यान से, यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। बारबरा, अपना टावर पकड़ कर रखना। यह काम कर गया। यह क्या हुआ? किस्मत ने फिर जूली का साथ नहीं दिया, सिर्फ एक। निक के साथ ऐसा नहीं है, उसे पूरा एक प्लेट स्किटल मिला है। वाह, और बारबरा को सारे रंग मिले हैं। सिर्फ एक, और वो भी इतना छोटा। चुप रहो, मेरे पास एक आइडिया है। जूली, मुझे नहीं लगता कि वह काम करेगा, पर कोशिश करके देखो। वाह, अब यह तो बढ़िया है, अब यह बेहतर है। वाह, कितना स्वादिष्ट, यह कमाल का था। मैं तो स्किटल्स हमेशा खा सकती हूँ। वाह, बहुत अच्छा। निक, अब तुम्हारी बारी, देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ। वाह, तुम तो हमेशा सरप्राइज लेकर आते हो, पर तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अरे नहीं, मेरे स्किटल्स। वैसे मैं जानता हूँ कि अभी भी बहुत स्किटल्स किसके पास है। निक, मुझे नहीं लगता बारबरा को ये आइडिया पसंद आएगा, उसे तो पता भी नहीं चलेगा। हाथ हटाओ, आउच, यह सिर्फ मेरा है। मैं कौन से फ्लेवर के साथ शुरू करूँ, यह वाला या यह वाला? नहीं, यह वाला। मैं चुन नहीं पा रही, ये बहुत मुश्किल है। ओ, मुझे पता है, वो क्या है? एक लॉटरी, जिसकी मदद से मैं एक रंग चुन पाऊंगी। चलो खोल कर देखती हूँ। मैं हरे के साथ शुरू करूंगी। ओके। कितना स्वादिष्ट, मुझे स्किटल्स बहुत पसंद है। मुझे सारे फ्लेवर एक साथ खाने का मन है। कितना बढ़िया, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। यह क्या है? वाह, अरे ये तो बड़ा स्किटल्स है। कितना बड़ा है, और जरूर बहुत स्वादिष्ट भी होगा। एकदम सही कहा, यह लाजवाब है, और उसके अंदर एक सरप्राइज भी है। Okay. दोस्तों इधर आओ, इधर सबके लिए काफी है। वाह, ट्रिक्स तो कमाल का होता है। What? Okay.
या लोग तो शुरू करने का इंतजार ही नहीं कर सकते। मैं पहले चलती हूँ। अरे ध्यान से, मेरे पास एक आइडिया है। रुक जाओ जूली, सावधान रहना वरना तुम सब काट दोगी। हो गया। What? Oops. कितना स्वादिष्ट, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। जूली, तुम तो इतनी गंदी हो गई हो कि अब तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। अब मेरी बारी है। ओह, तुमने तो वो रैपर बहुत जल्दी हटा दिए, बहुत अच्छा। कितना स्वादिष्ट, पर फिर भी किसी चीज की कमी है। हाँ, मुझे गर्म दूध की जरूरत है। वाह, ये तो एक असली चॉकलेट कॉकटेल बन गया है। एकदम सही जोड़ी है। अब मेरी बारी है। वाह, तुम्हारे पास तो ट्विक से बनी एक पूरी दीवार है, और अब मैं इसे तोड़ने वाला हूँ। मेरे उपकरण कहाँ है? न्यूटेला, मुझे इसकी ही जरूरत है। मैं इन ट्विक्स को एक टावर बनाने जा रहा हूँ। निक, तुम्हें अपने दोस्तों को ट्विक्स के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या हो रहा है? नहीं निक, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मेरे हैट ने मुझे बचा लिया। तो अब कुछ दिलचस्प होने वाला है। अरे दादी, सो मत। हाँ, मैं ये पहला काम है, पैनकेक्स। खैर, हाँ, किसका इंतजार कर रहे हैं? शुरू हो जाओ। हाँ हाँ, ये मेरी सिग्नेचर डिश है। चलो, समय बर्बाद मत करो, मेरी पोती लंबे समय से भूखी है। स्टोव ऑन करो, हम एक करछुल लेते हैं और ऐसे डालते हैं, ट्राई करते हैं। ये बहुत आसान है। मेरी पोती के लिए पहला पैनकेक तैयार है। तुम भी ना, कोई फैंटेसी नहीं। मैं अपनी बहन के लिए सबसे मजेदार पैनकेक्स बनाऊंगा, उसे मेरा आइडिया जरूर पसंद आएगा। इस तरह से यहाँ डालता हूँ और अब कुछ कर डालता हूँ, एक एक बूंद करके। अब इसे अच्छी तरह से मिला देता हूँ। वाह, ये वास्तव में अच्छा लग रहा है। अब इसे फ्राइंग पैन पर डाल देता हूँ। लग रहा है तैयार हो गया है। जल्दी से प्लेट पर डाल देता हूँ, नहीं तो जल जाएगा। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों पैनकेक्स बनाऊंगा। अब मैं पैनकेक्स को बटर और मैपल सिरप से सजाऊंगी। ये स्वादिष्ट होगा। अच्छा दिखा है। ये कितने सुंदर है, कितना रंगीन। मैं इसमें मार्शमेलो डालूंगा और मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। वाह, अरे वाह, ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, चलो अब इस पर थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स डालता हूँ और यह सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा दिख रहा है। बच्चों के लिए मीठा खाना हानिकारक है, इसलिए मैं अपनी डिशेस को एक पोस्ट अंडे से सजाऊंगी। अब एक बर्तन में पानी लेते हैं और इसे स्टोव पर डालते हैं। उबलते पानी में कच्चा अंडा डालते हैं, यही एक सीक्रेट है। मैं पैनकेक पर कुछ हैम भी डालूंगी और सलाद के साथ सजाऊंगी। हमारा डिश लगभग तैयार है। सावधानी से अंडे को बाहर निकालते हैं और पैनकेक पर डालते हैं और अंत में पार्सले कुछ रखते हैं। अब पैनकेक सर्व करने के लिए तैयार है। मुझे खुद पर गर्व है। कितना गाढ़ा है, तुमने खत्म कर लिया? चलो ट्राई करते हैं। वाह, ये सब बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं खाना शुरू करती हूँ। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ये कितने रंगीन है। वाह, और बहुत स्वादिष्ट भी है। ये सही में मेरा फेवरेट है।
और हमारे पास और क्या है? ओह छी, कितना भयानक है। रंगीन पैनिक्स जीत गया, ये बहुत स्वादिष्ट है। हुर्रे! मुझे पिज्जा चाहिए। ओह हाँ, चलो बाती हूँ। अच्छा चॉइस है। सबसे पहले डो को एक टुकड़े में काटते हैं। अब टमाटर का पेस्ट लेते हैं और इसे पिज्जा अच्छी तरह डालते हैं। कितना अच्छा है कि मेरा ब्रश हमेशा मेरे पास होता है। हाँ हाँ, इस तरह से अपने ब्रश से मैं अच्छे से मिला देती हूँ। इसकी मदद से खाना बनाना बहुत आसान होता है। चीज को ग्रेट करते हैं। हाँ, लगता है ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और अंत में पेपरोनी डालते हैं और पिज्जा लगभग तैयार है। तुम ये क्या कर रहे हो? ओह ओप्स, ओह तुम कितने बेवकूफ हो। ओह मेरा पिज्जा चला गया। क्या यह मेरे लिए है? बहुत धन्यवाद, मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाऊंगा और यह सबसे अच्छा होगा। मैं सॉस के बजाय मार्शमेलो डालूंगा। पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, और यह क्या है? स्किटल्स, मुझे यह पसंद है। मैं ये फिलिंग के लिए यूज करूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत बढ़िया, और ये बहुत अच्छा बना है। मुझे कुछ नया सोचना चाहिए। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने पिज्जा को काले रंग से रंग दूंगी। थोड़ा सा इंक डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी। मेरे काले पिज्जा के लिए बेस तैयार है। और अब टमाटर सॉस लेते हैं और इसे डो पर समान रूप से फैलाते हैं। हाँ, इस तरह से। और ये लगभग तैयार है। और चीज के बिना कैसा पिज्जा। लेकिन इसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए, इसे अच्छे से डालना है। बस आपको डेकोरेट करना बाकी है। मुझे लगता है इस तरह के असामान्य पिज्जा के लिए सी फूड अच्छा रहेगा। हाँ, ये कितना प्यारा लगा है। हमारे शेफ अपने पिज्जा को ओवन में डालने के लिए तैयार है। और सब तैयार है। केवल टेबल पर गर्म पिज्जा सर्व किया जा सकता है। ओ नहीं, मेरे पिज्जे का क्या हुआ? यह खराब हो गया है। और मेरा पिज्जा बिल्कुल ठीक ठाक है। कितनी अच्छी खुशबू आई है। अब हमें ट्राई करना चाहिए। ओ वाह, ये अजीब सा पिज्जा है। ये काला है और उस पर शेल्स क्यों हैं? ओ वाह, कितना शानदार पिज्जा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। ये अजीब है लेकिन खाऊंगी। और आगे क्या है? यह मेरा फेवरेट पेपरोनी पिज्जा है। ओ वाह, कितना स्वादिष्ट है। हाँ, और यह पिज्जा जीत गया। धन्यवाद मेरी बच्ची। बोन एपिटीट। अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैं अपनी पोती के लिए सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाऊंगी और इसे केक के साथ खाने दूंगी। मैं सोच सकती हूँ मेरे इस तरह के डिश को कितना पसंद करेगी। बहुत अच्छा से मैं इसे तैयार करती हूँ। सबसे मुख्य इसे छोटे छोटे टुकड़े को बारीक से काटना। इसलिए हम ब्लेड लेते हैं और केक को जल्द से जल्द काटना शुरू करते हैं। यह क्या है? मेरे ऊपर स्पंज केक कहाँ से आया है? यंग मैन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? माफ करना, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। हाँ, और इससे सिंपल क्या हो सकता है? मैं सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाऊंगी। हाँ, बिल्कुल सही, हमेशा की तरह। और अब डेकोरेट करने का समय है। मैं कुछ नारंगी के छिलके को ग्रेट कर दूंगी। हर कोई नारंगी रंग पसंद करता है और बिना पुदीने के पत्ते अच्छा नहीं लगेगा। और अब मेरा सीक्रेट आइटम, स्टीम वाटर। कितना सुंदर है। तुझे बकवास बनाकर लाई है और खुश हो रही है। खाना प्यार से बनाना चाहिए।
ये एक तरीका है जिस डिशेस सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ओह, लगता है कुछ ठीक नहीं हुआ। ओह, ये मॉडर्न डिशेस। ओह, लगभग तैयार हो गया। अब मेरा फेवरेट सिरप डालना बाकी है और आप अपनी पोती को सर्व कर सकते हैं। वो खुश हो जाएगी। और ये तैयार हो गया, कितना सुंदर है। चलो तो आइसक्रीम तैयार है, इसे केवल बॉल में डाल और खाना बाकी है। हाँ, मुझे लगता है मैं सही रास्ते आ रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, व्हिप्ड क्रीम के बिना कैसी आइसक्रीम। मेरी बहन इसे बहुत पसंद करती है। वाह, और मैं सजावट के लिए स्किटल्स डालता हूँ, वे बहुत शानदार है। आइसक्रीम सबसे सुंदर लगेगी। और थोड़ा सा मेरा फेवरेट ओरियो मीठे चिप के साथ। कुछ तो कम लगा है। हाँ, चॉकलेट सिरप। क्या मैं आपसे कुछ बोरो कर सकता हूँ? हाँ, बढ़िया, धन्यवाद। बस ये आखिरी टच और अब ये तैयार है। क्या आप अपनी आइसक्रीम दिखाने के लिए तैयार हैं? फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ, कहाँ से शुरू करूँ? वाह, कितनी सारी चीजें हैं। अभी चेक करती हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम है, बहुत ही स्वादिष्ट। और आगे क्या है? क्या इस पर ये पत्ता क्यों है? ये अजीब तरह का है। चलो ट्राई करती हूँ। छी, ये कितना भयानक है, मैं इसे खाना नहीं चाहती। चलो एक बार और कोशिश करती हूँ। ओह, ये अजीब है। और यह आइसक्रीम जीतता है। ओह हाँ, मैं जीत गया। हाँ, ऐसा लगता है कि टीचर नहीं देख रही है। ये मेरे सीक्रेट जगह खोलने का समय है। वाह, गमी आके। वाह, कूल। हाँ, और वे कितने स्वादिष्ट है। इन बोरिंग क्लास के दौरान मुझे यही चाहिए। कितना मजेदार है। तुमने इसके बारे में कैसे सोचा? मैं अभी बताती हूँ। मैं अपना होमवर्क खाली पेट नहीं करती। और फिर एक आइडिया आया। यह सिर्फ शानदार है। मैं गमी यहाँ रखूंगी, कोई नोट नहीं करेगा। बढ़िया आइडिया। ब्रावो वेंसडे, अब सरप्राइज करने की मेरी बारी है। एक पेंसिल केस है। और इसके बारे में क्या? हाँ, यहाँ चिप्स है। बढ़िया स्वाद। मैं कितनी अच्छी हूँ। ज्योग्राफी सच्ची में थका देने वाला है, यदि आसपास कुछ खाने के लिए ना हो। हाँ, ये इतने सामान है। मैं चिप्स को पेंसिल केस में रखूंगी और उन्हें क्लास में ले जाऊंगी। ये बहुत मजेदार है। बोन एपेटिट। बढ़िया। क्या बात है, मैंने क्रश सुना। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और अब यहाँ देखो। ऐसा लगता है ये काम किया। हाय हाय। ओ, कितना बढ़िया। खैर लड़कियों, यह ड्रॉ करने का समय है। आराम। ओह, अरे क्या वो एक सॉल है? आओ। ओह, मैं कैसे भूल गई, मेरे पास एक सीक्रेट है। अरे वेंसडे, क्या तुम्हें लगता है कि यह स्वादिष्ट है? मैं इसे अभी देखूंगी। कितनी मीठी, बहुत स्वादिष्ट। बढ़िया। ओह, क्या तुम पेंट खा रही हो? मैं अब तुम्हें कुछ बताऊंगी। मैं एक बार सिरप खा रही थी। वाह, यह अविश्वसनीय था। अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। Awesome. मैं ड्राइंग कर रही थी और ट्यूब को कंफ्यूज कर गई। यह असली रंग था। ओह नहीं, कितना भयानक। मेरे हाथ में क्या है? एक्रिलिक। उफ, मैं ये गलत कैसे कर सकती हूँ? खैर, यह बुरा है। वाह, क्या होगा अगर मैं सिरप को एक सिरिंज में डालती हूँ और इसे पेंट बजाए एक खाली ट्यूब में डालती हूँ? यह शानदार होगा।
तो कोई मुझ पर निश्चित रूप से संदेह नहीं करेगा। मैं क्लास में एक और ट्यूब्स लाऊंगी। यह वाला है। बढ़िया। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ। बढ़िया आइडिया। देखो मेरे पास क्या है, पेंट पैलेट, और यहाँ यह नहीं है, यह ओरियो है। कुकीज का हमेशा स्वागत है। तुम्हें यह कैसा लगा? वाह, यह सिर्फ अविश्वसनीय है। सुनो, मैं ड्राइंग कर रही थी जब अचानक एक स्केटबोर्ड पर थिंग ट्रिक कर रहा था और मेरे ओरियो पिरामिड को तोड़ दिया। मैं गुस्से में थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि कुकीज पूरी तरह से पैलेट में फिट होते हैं। बिंगो। और फिर मैंने निश्चय किया कि पेंट को हटाकर उसकी जगह कुकीज को वहाँ पर डाल दूंगी और इसे क्लास में ले जा सकती हूँ। समय हो गया है, अपने चित्र दिखाओ। तुम्हारे शीट्स खाली क्यों है? ओह, हम भूल गए, हम ड्रॉ करना है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, क्या करें? मैं सिर्फ को निचोड़ लूंगी। ओह, ये नहीं हो रहा है। यहाँ क्या चल रहा है? अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। तो लड़कियों, चलो यहाँ आओ। तो कुकीज, सिरप, क्या तुम इसे फिर से खा रहे हो? खैर, यह नहीं चलेगा। ओह, उसने हमें पकड़ लिया है। 16 + 4 कितना होता है? हम अभी सॉल्व करेंगे। मैं गिनती नहीं करूंगी, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। वेंसडे, तुम्हें मेरा कैलकुलेटर कैसा लगा? बहुत रंगीन। क्या तुम पता है कि बटन यह काम नहीं करते? यह बेकार नहीं है, तुम उन्हें खा सकती हो। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। बढ़िया है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? बटन नहीं, धन्यवाद। ओह, तुम नहीं समझ रही हो, एक बार मैं कैलकुलेटर गिरा दिया था और सभी बटन इससे बाहर गिर गए। मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी और स्किटल्स खा रही थी, लेकिन गलती से मैंने कैंडी के बजाय एक बटन खा लिया। इस मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन मुझे तुरंत पता चला कि मेरी गलती का उपयोग कैसे किया जाए। बटन के बजाय स्किटल्स डाले। ताराम। अरे, क्या लगता है, यह है ना अच्छा? कूल। मेरे पास भी कुछ है। बढ़िया, क्या तुमने इरेजर को खा लिया? कल मैं मार्शमेलो खा रही थी और अपनी डायरी को पढ़ रही थी। कल्पना करो, किसी ने वहाँ दिल ड्रॉ किया था। मैंने इस भयानक चीज को मिटाने के लिए एक इरेजर लिया, लेकिन यह मार्शमेलो था। मुझे समझ आ गया, इरेजर के बजाय मार्शमेलो परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। इस लेबल को हटाने और इसे यहाँ चिपकाने की जरूरत है, इस तरह से। बस यह हो गया। बढ़िया आइडिया। 20 के बराबर है। तुम क्या चबा रहे हो? क्या चल रहा है? ओ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अजी, चलो बारी रखे। उसने नोटिस नहीं किया। हाँ।